हेलो डियर फ्रेंड, आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है और खुशखबरी है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एस्पायरेंट है उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट जो है निकल गया है। उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 28/9/2021 को निकल गया था। लास्ट डेट होने से पहले ये फॉर्म भर दीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाइए। जो इम्पोर्टेंट डेट्स आया हुआ है, हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था, ये 28/9/2021 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेकंड, फीस पेमेंट का जो स्टार्टिंग डेट कब से हुआ था, ये भी 28/9/2021 से ही हुआ था, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब है, यह है 27/10/2021 को हो रहा है। तो आज क्या है, 22 है और 5 दिन है। आप आराम से इस 5 दिन में ये फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है, यह है 27/10/2021 को, इसका भी लास्ट डेट होने जा रहा है। तो लास्ट डेट होने से पहले इसका फायदा उठाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिसने भी नेट CRF जो क्रैक किया हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसका फायदा उठाइए। तो हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स की कितना एप्लीकेशन फीस है। फर्स्ट जो अनरिजर्वड EWS और OBC कैटेगरी है उनके लिए फीस कितना है, 1550 है। और SC ST कैटेगरी के लिए कितना है, 650 है। PWD और वुमेन के लिए जो फीस कितना है, निल है, कोई फीस है ही नहीं। सिर्फ आपको फैसिलिटेशन चार्ज ₹50 लगेंगे, इस ना के बराबर है आप लोगों के लिए PWD और वुमेन्स के लिए। गवर्नमेंट चाहता है कि वुमेन्स जो है सबसे आगे जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में भी ज्यादा लग जाएं। और वैकेंसीज कितना है, आप वैकेंसीज देख लीजिए कि वैकेंसीज कितना है फॉर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये है कैटेगरी वाइज, पहले टोटल जो यहाँ पे टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पोस्ट दिया हुआ है इस लाइन में, कितना असिस्टेंट प्रोफेसर का टोटल पोस्ट है किस सब्जेक्ट में और कैटेगरी में, किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, वो यहाँ पे डिवाइड करके दिया हुआ है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का लिस्ट है फर्स्ट से लेके 13 तक, और जो भी डियर फ्रेंड्स जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना है वो आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है वो आप देख के कितना सीट है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे ज्यादा सीट जो है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद ने जो निकाला है वो किस में है, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए 29 सीट है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज्यादा सीट केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री वाले डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। और बॉटनी के लिए 14 सीट है, आर्कियोलॉजी उनके लिए कितना है, 16 सीट है। और उसी तरह 13 यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। जो भी डियर फ्रेंड्स जिस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, आप अपना यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो। इस वीडियो को पॉज करके, जूम करके आप आराम से अपना जो सब्जेक्ट में कितने पोस्ट है वो आराम से देख लीजिए और अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई करना भूलना नहीं, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका नेट CRF क्लियर होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे कोई एग्जाम नहीं है, रिटन विटन। और यहाँ पे 14 से लेके जो 34 तक और जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जितने भी ये है, आपका टोटल नंबर ऑफ सीट है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स, किस कोर्स में कितना सीट है वो आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। मैं एक मतलब बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें वीडियो लंबा नहीं करना है, शॉर्ट वीडियो में आप तक अपडेट पहुंचाना है। आप आराम से देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जूलॉजी में कितना सीट है, जूलॉजी में भी बहुत ज्यादा सीट है, 21 सीट है, ठीक है। टोटल 47 सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकाला हुआ है, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। फिजिक्स में भी 20 है, बहुत ज्यादा है फिजिक्स में भी। डियर फ्रेंड्स, अपने अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट देख लीजिए और किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, अप्लाई कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अप्लाई करना भूलना नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का
इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटीज में से पोस्ट निकलता है जल्दी से अप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 जुलाई 2023 से PhD मैंडेटरी होने वाला है। वो होने से पहले आप नेट जेआरएफ के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग जाइए। सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू आपका जिस सब्जेक्ट में आपको होल्ड होगा, जिस सब्जेक्ट में आपने भरा है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कोर नॉलेज होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और आप करंटली जब PhD कर रहे हैं तो आपके जो रिसर्च टॉपिक होगा उसके बारे में भी कोर नॉलेज होना चाहिए और बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आहिश लाइफ साइंस की तरफ से आपको ये अपडेट आप तक पहुंचाया है। अगर जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।